आप लोग सोच रहे हैं आज कहाँ आ गए भैया। बाबू जहाँ आपकी फायदे की बात हो वहाँ पे सुकेश भैया ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसी एग्जाम को दे के टॉपर्स निकलते हैं, वही एग्जाम ये सारे बच्चे भी दे के आ रहे हैं, जो आप नीट में टॉपर देखते होंगे, ITG में टॉपर देखते होंगे, सारे टॉपर्स इसी एग्जाम से निकलते हैं। टैलेंट एक्स मैंने 9th में भी दिया था, उसमें मेरी रैंक 70 थी। तो हाय, क्या नाम हुआ आपका? शाश्वत। कैसा गया पेपर आपका? बहुत बढ़िया गया। अच्छा, तो कैसे जाने थे टैलेंट के बारे में? जो एलन के बारे में तो बहुत पहले जानते थे। अच्छा, वो पटना आ गया, ये बात कैसे जाने? ये आपके वीडियो से देखा, नवरात्रि के पहले दिन मैं अपने नानी घर गया था, उसके बाद रात को जब वीडियो देखा तो आपका वीडियो देखा। अच्छा, मेरा वीडियो देखा। और फाइनली एलन इन पटना। तो अच्छा, टैलेंट टैक्स के बारे में कैसे आपको पता चला? टैलेंट एक्स के बारे में तो बहुत पहले से पता ही है। अच्छा, 2-3 साल से पता। कैसा अनुभव कैसा था एग्जाम का? अच्छा था। अच्छा, क्या कैसा लगा टाइम ऑफ पीरियड जो मिला था उसमें एग्जाम का, कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर में आपका? टाइम तो बहुत कम था। अच्छा, और पेपर बहुत ट्रिकी था। अच्छा, पेपर बहुत ट्रिकी था। कैसा टाइम मैनेजमेंट हो पाई? हाँ हुआ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन छूट गया। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हर्ष नंदा। अच्छा, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? अभी तो 8th में पढ़ता हूँ। 8th क्लास में पढ़ते हैं। आगे टैलेंट टेस्ट के बारे में आपको कैसे पता चला? देखिए, मतलब मैं अभी जस्ट JEE और वो सबका नीट का देखा। अच्छा। तो टैलेंट एलन का तो बहुत नाम ही है कोटा में, और अभी जस्ट पटना में भी खुला है। अच्छा। तो मैं सोचा कि टैलेंट एग्जाम लेके देखते हैं। अच्छा, अच्छा आएगा तो एलन में ही लेंगे। अच्छा, एलन में ही लेंगे। आपका क्या नाम हुआ? स्वीनी। अच्छा, कैसा रहा पेपर आपका? डरना नहीं है, कैसा रहा पेपर? अच्छा था। तो आप जो बच्चे अनअवेयर हैं, जो आपने इस बार टैलेंट दे दिया, जो अगले बार देने वाले हैं, जो नहीं जान पाए, उनको आप क्या बताएंगे? क्वेश्चन के प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छा, डिफरेंट बुक से। अच्छा, डिफरेंट बुक से। हाँ, तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, जिसका लेवल थोड़ा आपके लेवल से ऊंचा रहे। अच्छा, आप लोग को कितना लग रहा है, कितना परसेंट स्कॉलरशिप मिल जाएंगे? कुछ गेस नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ गेस नहीं कर सकते। यार ऋतु कुमार, कैसा गया पेपर? टफ था लेकिन बढ़िया गया। टफ था लेकिन बढ़िया गया। जब फर्स्ट टाइम आप सुने थे एलन पटना आ गया, तो क्या रिएक्शन था आपका? हाँ, वो तो पता ही था कि एलन पटना आ गया। अच्छा, कैसे पता चला था? वो गूगल से। अच्छा, गूगल से आपको? फ्रेंड वगैरह से वगैरह। अच्छा, फ्रेंड लोग से पता चला एलन पटना आ गया। मोटिव है कि गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, उसको बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म नेशनल लेवल का मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। आप लोग सोच रहे हैं आज कहाँ आ गए भैया, आज कहाँ आ रही है, भीड़ कहाँ से निकल के आ रही है। बाबू जहाँ आपकी फ़ायदे की बात हो वहाँ पे सुकेश भैया ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप जो देख रहे हैं सारे बच्चे आ रहे हैं, वही बच्चे हैं जो आप देखे होंगे टॉपर्स निकलते हैं, इसी एग्ज़ाम को दे के टॉपर्स निकलते हैं, वही एग्ज़ाम ये सारे बच्चे भी दे के आ रहे हैं, जो आप नीट में टॉपर देखते होंगे, ITG में टॉपर देखते होंगे, सारे टॉपर्स इसी एग्जाम से निकलते हैं, इसी एग्जाम के बाद। तो ये सारे बच्चे वही एग्जाम दे के आ रहे हैं। टैलेंट एक्स मैंने 9th में भी दिया था, उसमें मेरी रैंक 70 थी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मृदुल अग्रवाल, JEE एडवांस टॉपर। टैलेंट एक्स मतलब सक्सेस का अश्योरेंस। 10th में जब मैं था, मैंने टैलेंट एक्स दिया था एंड आई गॉट एन AIR ऑफ 43। आई वुड सजेस्ट कि आप टैलेंट एक्स एक बार देखे, देखिए आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। आपका क्या नाम हुआ? हर्ष नंदा। अच्छा, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? अभी तो 8th में पढ़ता हूँ। 8th क्लास में पढ़ते हैं। आगे टैलेंट एक्स के बारे में आपको कैसे पता चला? देखिए, मतलब मैं अभी जस्ट JEE और वो सबका नीट का देखा। अच्छा। तो टैलेंट एक्स एलन का तो बहुत नाम ही है कोटा में, और अभी जस्ट पटना में भी खुला है। अच्छा। तो मैं सोचा कि टैलेंट एक्स एग्जाम लेके देखते हैं। अच्छा, अच्छा आएगा तो एलन में ही लेंगे। अच्छा, एलन में ही लेंगे। तो पेपर कैसा था टैलेंट एक्स का? मतलब जैसे अगर कोई पहले से, अगर मतलब अच्छा था, मतलब बहुत कठिन क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थे ट्रिकी, क्वेश्चन थे कंसेप्चुअल, था ट्रिकी क्वेश्चन थे। अच्छा, कितना परसेंट लग रहा है स्कॉलरशिप मिल जाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो मेरा 50% तो मिल ही जाएगा। अच्छा, 50% तो मिल ही जाएगा। हाँ। आगे फ्यूचर में, भविष्य में क्या करना है आपको? मेरा तो नीट। अच्छा, आपको जब पता चला एलन पटना आ गया, तो कैसा रिएक्शन था आपका? मेरे को लगा कि बहुत अच्छा लगा, कि जैसे अब थोड़ी ना इतना दूर जाके अकेले पेरेंट्स के विदाउट रहना है, यहाँ पर ही कर सकते हैं एलन। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात थी कि मुझे पेरेंट्स के बिना बाहर जाके पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब वो दिन नहीं आएगा, अब यहाँ पर ही रहकर हम तैयारी कर। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप एलन की टीम को? मैं तो उनके लिए उनको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। चलिए, थैंक यू आपको। चलिए और भी देखिए, बहुत सारे बच्चे आ रहे। क्या नाम हुआ आपका? आयुष कुमार। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 9th। अच्छा, आगे भविष्य में क्या चीज़ की तैयारी करनी है आपको? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की। तो एलन टैलेंट टेक्स के बारे में कैसे पता चला था? पापा बताए थे। अच्छा, कैसा पेपर था टैलेंट टेक्स का? अच्छा। अच्छा था। कैसा क्वेश्चन, ट्रिकी था या कंसेप्चुअल था, कैसा क्वेश्चन था?
दोनों। आप जो पढ़ते थे अपने स्कूल में क्लास में ऐसा क्वेश्चन आया? उससे हल्का हायर लेवल का। अच्छा, उससे हल्का हायर लेवल था, तो क्या कैसा लग रहा? अच्छा। अच्छा, जो अनअवेयर है, जो टैलेंट टैक्स नहीं दिए वो देना चाह रहे होंगे आगे, तो उनको आप क्या बताएंगे? आपको कैसा लग रहा है टैलेंट टैक्स देके? अच्छा। अच्छा लग रहा है, तो उनको भी देना चाहिए। यस। आपका क्या नाम हुआ? स्वीनी। अच्छा, कैसा रहा पेपर आपका? डरना नहीं है, कैसा रहा पेपर? अच्छा था। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? प्रीति। अच्छा, आप किस क्लास में? 10। कैसा रहा पेपर? ठीक था। अच्छा, क्वेश्चन जो थे टैलेंट टैक्स में किस तरह के, कंसेप्चुअल थे या ट्रिकी थे? ट्रिकी क्वेश्चन थे। अच्छा, आपको कैसा लगा क्वेश्चन? हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, लेवल वाला था। अच्छा, क्या अनुभव फील किया टैलेंट टैक्स का पेपर देके? हाँ, अच्छा लेवल, अच्छा है क्वेश्चन का। अच्छा, और जो पढ़ के आएंगे वही बना सकते हैं। अच्छा, जो पढ़ के आएंगे वही हाँ, बना पाएंगे। आपका क्या कहना है? हाँ, इट्स नीड हार्ड प्रैक्टिस। ओके, तो आप जो बच्चे अनअवेयर हैं, जो आपने इस बार टैलेंट टैक्स दे दिया, जो अगले बार देने वाले हैं, जो नहीं जान पाए, उनको आप क्या बताएंगे? क्वेश्चन के प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, डिफरेंट बुक से। अच्छा, डिफरेंट बुक से हाँ तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, जिसका लेवल थोड़ा आपके लेवल से ऊंचा रहे। अच्छा हाँ, तो वो बच्चे अच्छे कर पाएंगे क्या? हाँ। आप लोग को कितना लग रहा है, कितना परसेंट स्कॉलरशिप मिल जाएंगे? कुछ गेस नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ गेस नहीं कर सकते। तो कैसा, आप लोग फर्स्ट टाइम सुने होंगे एलन पटना आ गया, तो क्या रिएक्शन था आप लोग का? वी वर हैप्पी। आपका? हाँ, वी वर। क्या आप लोग एलन में पढ़ेंगे पटना में? यस। अच्छा, जो अनअवेयर है, आप लोग एलन के बारे में फर्स्ट टाइम कब जाने थे? 7-8 में। अच्छा, 7-8 में आप? हाँ, 7-8 में। अच्छा, तो फिर ऐसा सोच रहे थे क्या एलन पटना आ जाए, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा था, या कोटा जाके ही तैयारी करने का मन था? हाँ, एलन पटना आ जाए ऐसा हम लोग कभी कहना था। अच्छा, ऐसा था। अब वो दिन भी आ गया, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे एलन के टीम को? थैंक यू कि वो पटना में लाए और हम लोग के नज़दीक कर दिए घर से। अच्छा, आपका क्या कहना? हाँ, ये करके अच्छा, बहुत कोई मीन्स उतना दूर जाना हर कोई के लिए पॉसिबल नहीं था, तो ये बहुत अच्छा किया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा ऋतविक कुमार। कैसा गया पेपर? टफ था लेकिन बढ़िया गया। टफ था लेकिन बढ़िया गया। कैसा क्वेश्चन, कैसा था? ट्रिकी था, कंसेप्चुअल था? ट्रिकी था, सबसे ज्यादा मैथ हार्ड था। सबसे ज्यादा मैथ हार्ड था, सिर्फ 4 क्वेश्चन बना। अच्छा, आपका क्या नाम? सेम, मयंक नाम है मेरा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कैसा हो पाया? टाइम तो मैनेज हो गया, पर ये मैथ था, मैथ का क्वेश्चन। अच्छा, मैथ का 15 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना। अच्छा, 15 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन। आपका? वही सेम ही है लगभग, 5-6 बना। किस क्लास में भी आप लोग हैं? 10th में। तो कैसा लग रहा है, कितना परसेंट स्कॉलरशिप मिल जाएगा? अभी क्या ही लग रहा है, 10-20 से ज्यादा नहीं देगा। अच्छा, 10-20 ज्यादा नहीं। क्वेश्चन का लेवल गया से आ रहे हैं। अच्छा, आप गया से आए, तो कैसे आपको कैसे पता चला टैलेंट टैक्स के बारे में? न्यूज़पेपर में पता चला। अच्छा, न्यूज़पेपर, इंटरनेट पे। तो कैसा क्या था, एक्साइटमेंट था? एंजाइटी लग रहा था, थोड़ा सा एंजाइटी लग रहा था, थोड़ा सा तो लग रहा था, पर उतना हुआ नहीं, ठीक ठाक रहा, सब बढ़िया रहा। हाँ। अच्छा, वो जो आपका 2-2.5 घंटा का समय रहा, क्या पेपर के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाए? हो गया, बस थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन के लिए चाहिए था, मैथ्स और रीजनिंग का। मैथ मेरा सिर्फ मैथ्स का और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत, पर मैथ्स कुछ ज्यादा। सीजी दिया था सबसे। जो नेक्स्ट ईयर टैलेंट टैक्स देने वाले हैं उसको मैथ और मेंटल एबिलिटी को देख के आना चाहिए। हाँ, मैथ्स को तो होना चाहिए, मैथ्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैथ्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो कितना आप लोग एक्साइटेड है, एलन पटना आ चुका है? पटना नहीं, कोटा जाएंगे। कोटा जाएंगे? हाँ, पटना ही, हम तो पटना ही रहेंगे, पास में आ गया है। तो पास में आ गया तो हम कोटा क्यों जाएं? क्यों ही जाएं? हाँ। देखिए, ये सब बच्चे हैं जो टैलेंट टैक्स का पेपर दे के आ रहे हैं। आप लोगों को जैसे कि पता है कि एलन पटना भी आ चुका है ऑफलाइन प्योर सेंटर लेके। तो हाय, क्या नाम हुआ आपका? शाश्वत। कैसा गया पेपर आपका? बहुत बढ़िया गया। अच्छा, हाँ। तो कैसे जाने थे एलन के बारे में? जो एलन के बारे में तो बहुत पहले जानते थे। अच्छा, वो पटना आ गया, ये बात कैसे जाने? ये आपकी वीडियो से देखा, नवरात्रि के पहले दिन मैं अपने नानी घर गया था, उसके बाद रात को जब वीडियो देखा तो आपका वीडियो देखा। अच्छा, मेरा वीडियो देखा। और फाइनली एलन इन पटना। तो अच्छा, टैलेंट टैक्स के बारे में कैसे आपको पता चला? टैलेंट टैक्स के बारे में तो बहुत पहले से पता ही है। अच्छा, 2-3 साल से पता है। अभी आप 10th में हो? हाँ, मैंने 6 और 7 में भी दिया है टैलेंट टैक्स। कैसा रहा पेपर? कैसा रहा पेपर? मॉडरेट था। अच्छा, मॉडरेट था। अब बात करें, ट्रिकी क्वेश्चन था या कंसेप्चुअल था क्वेश्चन? फिजिक्स में सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, और लेकिन मेंटल एबिलिटी और मैथ्स में थोड़े लॉजिकल और क्रिटिकल क्वेश्चंस थे। अच्छा, जो बच्चे अगले साल टैलेंट टैक्स देने वाले हैं तो उसको किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप देख आ रहे हैं आपके अनुभव से? केवल NCERT से नहीं होने वाला है। अच्छा, कुछ उसके साथ रिफ्रेशर वगैरह आपको यूज़ करनी होगी। अच्छा हाँ, और पास्ट पेपर सॉल्व करिए इसका। अच्छा, PYQs देखिए यूट्यूब पे, बहुत सारा अवेलेबल है। उसका पैटर्न, हाँ, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आती है। जो आप सैंपल पेपर दे के आएंगे उसको कितना हेल्प मिलेगा? सैंपल पेपर से बहुत हेल्प मिलता है। बहुत हेल्प मिलता है।
तो जो अनअवेयर है जिनको पता नहीं, आप उनको क्या बताएंगे? कि आप टैलेंट टेक्स जरूर दीजिए एंड एलन आपकी जो कैपेबिलिटीज है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, आपके पेरेंट्स के कुछ पैसे भी बचेंगे। बिल्कुल सही बात है, आपके पेरेंट्स के कुछ पैसे भी बचेंगे। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। अच्छा कैसे टैलेंट टैक्स के बारे में कैसे पता चला? मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। अच्छा कैसा अनुभव कैसा रहा एग्जाम का? अच्छा था। अच्छा क्या कैसा लगा टाइम ऑफ पीरियड जो मिला था उसमें एग्जाम का कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किए सारे? यस सर। किस तरह के क्वेश्चन थे? मैथ्स थोड़े हार्ड थे। अच्छा मैथ्स थोड़े हार्ड थे, क्या चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में? UPSC। अच्छा UPSC। बाबू आपका क्या नाम हुआ? प्रीतिशा। आप कैसे जानते थे टैलेंट टैक्स के बारे में? न्यूज़पेपर से। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा था। अच्छा आप किस क्लास में अभी हैं? 6th में। अच्छा कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर में आपका? टाइम तो बहुत कम था। अच्छा और पेपर बहुत ट्रिकी था। अच्छा पेपर बहुत ट्रिकी था, तो कैसा टाइम मैनेजमेंट हो पाई? हाँ हुआ, लेकिन एक दो क्वेश्चन छूट गया। अच्छा क्या लग रहा कितना परसेंट मिल जाएगा? अच्छा अभी कुछ भी नहीं उम्मीद है, अच्छा होगा। आपने जैसे कि देखा कि बहुत सारे बच्चे जो टैलेंट टैक्स पेपर देकर आ रहे थे उनसे मैं जाना किस तरह का पेपर गया, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और हमारे साथ अभी एलएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं राजीव सर। राजीव सर से जानते हैं टैलेंट टैक्स कराने का मोटिव क्या। हेलो सर, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। थैंक यू सर। टैलेंट टैक्स जो करवा रहे हैं आप लोग पेपर, उसका मोटिव क्या है सर? मोटिव है कि गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, उसको बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म नेशनल लेवल का मिल सके। अच्छा। वो अपने आप को जान सके कि हम किस लेवल में हैं। अच्छा। यहाँ स्कूल में तो सभी 80, 90, 95 आते हैं। बिल्कुल सर। मगर ये क्या होता है कि ऑल इंडिया में हम कहाँ हैं। अच्छा। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर एक लेवल के हम मतलब उसको रैंक देते हैं। अच्छा जैसे कि सर मुझे पता चला है टैलेंट टैक्स के थ्रू जो बच्चे पास करेंगे उसको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा और कुछ अवार्ड भी दिया जाएगा, ऐसा क्या है? जी ऐसा है कि ऑल इंडिया में जो फर्स्ट रैंक आते हैं उनको 1,00,000 रुपया कैश प्राइस है। ओके। सेकेंड से थर्ड फिफ्थ तक 50,000 है, लगभग 4,500-4,500 बच्चे को कैश रिवार्ड होता है इसके। अच्छा। इसके अलावा अप टू 90% हमारे जो फी है उसमें अप टू 90% तक स्कॉलरशिप है दिया जाएगा बच्चे को। आपने देखा कि अभी हमने टैलेंट टैक्स जो बच्चे पेपर देकर आ रहे थे उनसे बात किया, और ये टैलेंट टैक्स के बारे में आपको मैं बताऊं अपने तरफ से, तो जितने सारे आप टॉपर देखते हैं वो सारे इसी टैलेंट टैक्स से हैं। आप बहुत सारे का इंटरव्यू देखेगा टॉपर का तो बोलेगी कि मैं भी टैलेंट टैक्स देके गया था। इस बार जैसे कि नीट टॉपर थी वो भी बोली थी मैं टैलेंट टैक्स से ही सेलेक्ट हुआ था एलएन में, मुझे उसके बाद ही वो टॉप की। और अभी जो आप बहुत सारे बच्चे देख रहे थे इसमें से भी हो सके कोई टॉप करेंगे, तो आपको हमारा प्रयास ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।